Hey, what's up, gamers? क्या हाल चाल आप लोगों का? My name is Yash and you watching your favorite YouTube channel, Blue Star Gaming. And हाँ guys, आज हम लोग हमारे सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग करने वाले हैं हमारे फिफ्थ जिम बैच के लिए बैटल, सिक्स शायद से गाइस, पता चल जाएगा सिक्स या फिफ्थ है, ठीक है, देखते गाइस. तो भाई ने हम लोग को दिया है 5 फ्रेश वाटर और मेरे को लग रहा है कि ये मेरे लिए थोड़ा आसान होगा क्योंकि अपने पास एक ग्रीन निंजा, तो टाइप एडवांटेज होगा क्योंकि मेरे को ये फायर टाइप ही लग रहा है दिखने से ही. कोई बात नहीं, देखते गाइस कौन कौन से पोकेमॉन है भाई के पास. तो ये खड्डा ये जो होल है वो वर्क क्यों नहीं कर रहा, आई डोंट नो. चलो ये यहाँ पे कुछ लीवर जैसा है, इसको प्रेस करके देखने से पहले वो नहीं, वो कुछ नहीं था. ओके क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है मेरे को. अच्छा वो देखो वो देखो वो पत्थर आ रहे हैं. ओके ओह भाई दिखे ही नहीं थे. चलो गाइस कोई बात नहीं, यहाँ पे ये पोकेमॉन है, इसने हम लोग को यहाँ पे पहुँचाया और यहाँ पे ये बंदा है जिससे मैं बैटल करूँगा और मैं वो स्किप कर दूँगा एज ऑब्वियस क्योंकि हम लोग मेन बैटल पर फोकस करेंगे. ये दबा दिया मैंने वापस से, चालू हुआ या बंद हुआ पता भी नहीं चला. कोई बात नहीं, देखेंगे अगर नहीं हुआ होगा वापस आ जाएंगे. उसमें क्या है, यहाँ पे आने के बाद आपको इसके ऊपर आना है. ओके एक और है. ओ भाई इजी था यार, खुल गया यार, नीचे क्यों है फिर, खुल तो गया, हो गया ना, यही है क्या जी? नहीं ये नहीं है. अच्छा आगे का अभी तो खुला नहीं है, शायद से नीचे जाना ही पड़ेगा. ठीक है कैसे जाते हैं पे यार, पूरा घूम के ही जाना पड़ेगा क्या? कोई ना चलता है फिर. अबे डबल बैटल भाई, कोई बात नहीं स्किप. ओके चलो गाइस अभी इस भाई इन लोगों से बैटल कर लेना, आसान है. और गलती से सर्फ यूज़ मत करने क्योंकि तुम्हारे पोकेमॉन को भी दिक्कत होती है. मेरा लुकारियो आधा फेंट हो चुका है तो भाई ये बंदे से भी बैटल करनी पड़ेगी लगता है. नहीं क्या इसने, अच्छा बंदा है. चलो गाइस कोई बात नहीं, अभी हम लोग आ जाते हैं फटाफट अपने जिम ट्रेनर के पास, जिम लीडर के पास, नॉट ट्रेनर. एक स्क्रीनशॉट तो बनता है भाई थंबनेल के लिए क्योंकि थंबनेल तो जान है अपने वीडियो की, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं गया रिवाइव करके मिलता हूँ सारे पोकेमॉन्स को वापस. ओके मैं गया था अपना पोकेमॉन सेंटर और वापस आ चुका हूँ, तो अभी इससे फाइट करेंगे. इसका नाम है जैरेड. चलो गाइस देखते हैं पोम्पानो सिटी जिम लीडर वर्सेस मैं. ओके इसका फर्स्ट पोकेमॉन है टॉर्कॉल, नाइस. मेरे पास ग्रे निंजा है 67 लेवल का, आई मीन 67 लेवल का. ओके तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा गाइस, आई थिंक सर्फ यूज़ करना बेटर होगा क्योंकि मेरे पास, मैं टाइप एडवांटेज के साथ खेल रहा हूँ आज. ओके हाफ एचपी पर मेरे को पक्का पता है कि भाई ये मेरे को है ना फुल रिस्टोर या फिर क्या बोलते हैं हाइपर पोशन ज़रूर यूज़ करेगा. तो मैं एक अच्छा अटैक, मैंने भाई अटैक कस्टमाइज़ करके आया हूँ गाइस क्योंकि मेरे को पता था ऐसा कुछ हो सकता है, चेंज करके आता हूँ मैं अटैक. ओ भाई क्रिटिकल हिट एक और देना पड़ेगा, मेरे को पता है ये वापस यूज़ करेगा क्योंकि यार गेम का आप जब मैं ना थोड़ा खेलोगे पैटर्न समझ जाओगे जो उसका एल्गोरिदम जो भी है. चलो गाइस वो समझ जाओगे ना तुम लोग को पता चल जाएगा कि ये आई थिंक 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करते हैं लोग. अब मुझे नहीं पता ऐसा कोई रूल है यानी कि 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं करने का, पर तब तक मैंने इसको फेंट करा दिया. इसका नेक्स्ट पोकेमॉन होगा विनोसॉर. क्या क्यों कैसे भाई वे क्यों बे विनोसॉर कौन भेजता है यार? अरे फायर टाइप जिम लीडर है यार उस भाई. सोलर बीम माँ कस, अरे सोलर बीम तो चार्ज होने में टाइम लगता है ना, कैसे क्या यार ब्लेजी करने, वो तो अच्छी बात है. ठीक है अरे यार डैमेज हो गया थोड़ा, ब्लेज किक देता हूँ इसको. ये गलत बात भाई, मेगा एवोल्यूशन ने डायनेमिक्स किया भाई ने, भाई डायनेमिक्स किया, मेरे को लगा मेगा एवोल्व करेगा बे. अरे हाँ इसके पास 40,000 भी तो था, 40,000 मेगा होगा यानी कि बाप रे. चलो कितना आता है यार, अच्छा खासा. ओ ओ ओ यार थोड़ा सा ही बाकी है. ओके कोई नहीं, इसका विनोसॉर भाई इसको हराने में तो हालत ख़राब होने वाली है अपनी. मैक्स ओवरब्रो, चलो मेरा ब्लेजिकन भी गया. ओ भाई मेरे को लग रहा है ये डोमिनेट करेगा ये पूरा बैटल. कोई नहीं इसको उड़ाएंगे कैसे, तो थोड़ा ही एचपी बाकी है. मेरे को टेंशन उसके 40,000 का है, मैं भी करेगा. देखो जायगंटा मैक्स मैं भी करेगा. मैं सोच रहा हूँ कि ग्रेनिंजा को रिवाइव करूँगा, उसको मैं डायनामैक्स करूँगा. ठीक है और ट्रैकोजोल को भेजूँ, चलो लूसी को भेजते अपने. मेगा एवोल्यूशन करते और देते और स्पीयर डार्क बस देते. अबे यार मेरा मेगा एवोल्यूशन नहीं किया मैंने यार, मिस हो गया वो और मेरा लुकारियो मर गया इधर. क्या भाई ये लुकारियो है ना, इसको मारेगा मैं एक दिन पकड़ के. वैसे तो मेरे को अभी तक तो लगा था कि आसानी से जीतेंगे पर लग नहीं रहा अभी. ड्रैकोजोल्ड को भेजते और अपने ग्रेनिंजा को रिवाइव कर देते हैं. चलो इसका डायनामैक्स भी ख़त्म हो गया. ड्रैकोजोल्ड में ऐसा पोकेमॉन है ना कि मैं उसको ऐसे विड्रॉ के लगता हूँ, ऐसा कुछ हुआ ना उसको भेजने का बाकी को रिवाइव करने का. और भाई यही तो बात है. ठीक है
ओके रिवाइव करता हूँ, और मेरे को भी इन लोगों को भी इतना गुस्सा आ रहा है, मैं इन लोगों को नीचे जाके मारने वाला हूँ। भाई मैं जब वीडियो बना तो तभी क्यों इन लोगों को, सुबह से ऐसे नल्ले बैठे थे। ये लो मेरा एक और पोकेमॉन गया भाई, सुबह से नल्ले बैठे थे बेरोजगार, और अभी आके भाई बराबर बजा रहे, दिमाग ख़राब करके रखा है गाइस। टाउको कैनल के भेजते, क्या नाम रखा है ना मैंने, मैं भाई ऐसे ही नाम प्रोनाउंस करता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को। हालांकि मैं सोच रहा हूँ इस पोकेमॉन को हटा दूँ भाई, इसके पास एक भी अच्छा अटैक नहीं है। अलग बात है इसका रीज़न उसका ट्रेनर है, पर कोई बात नहीं भाई। यार ये मरेगा यार, कोई क्या पोकेमॉन है भाई, किधर से लाया रे मैंने इसको, कब पकड़ा था भाई इसको। ओके चलो लेवल अप हो गया, यानी कि मैंने लेवल मैक्स नहीं किए थे इस बार। मेरे को लगा हो जाएगा यार इतने में, पर अभी पता चल रहा है हालत ख़राब है। चलो मेरे पास सिल्वियन है एक, तो वो तो लड़ लेगी भाई। भी मेरे को जैगंडा मैक्स यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना तो भाई ये लोग मेरे को ऐसे मारेंगे ना पूछो मत। अब क्या कर रहा हूँ यार मैं, चलो मैक्स ग्लेशियर यूज़ करते हैं, और ये आई थिंक वेदर को रेनी भी कर देता है जितना मेरे को पता है, देखते हैं। नाइस, आई थिंक ये सुपर इफेक्टिव जाना चाहिए, वन हिट जाना चाहिए, वन शॉट, क्योंकि यस क्योंकि भाई फायर टाइप वर्सेस वाटर टाइप है, ऊपर से मैंने डायनेमैक्स यूज़ किया है, सो मेरे पास एडवांटेज है बहुत। अभी मेरे पास और दो मूव है, और देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है। ग्रेनिंजा नैना 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 कोने कोने चारिजार्ड, ओ भाई अब मेरे को पता नहीं इसका चारिजार्ड क्या होगा, मेगा एक्स होगा या मेगा वाई होगा, इतना तो पता है मेगा होगा, ओ मेगा वाई है। ओके एडवांटेज गाइस, अच्छा वो उसका मेगा एक्स नहीं हुआ है, अगर एक्स होता शायद से उसके ऊपर इतने इफेक्टिव नहीं रहते ये अटैक्स शायद, क्योंकि मैं बहुत वक्त से पोकेमॉन देखा नहीं हूँ ना, मेरा दिमाग सटिया गया है, समझता नहीं यार कौन सा अटैक किसके ऊपर इफेक्टिव है। फोकस ब्लास्ट, बाय द वे गाइस एक क्वेश्चन पूछता हूँ आज आप लोगों से, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो शायद से मेरे को कमेंट्स में रिप्लाई मिले, क्या पोकेमॉन होराइजन के लिए एक्साइटेड हो? यस ल्यूको आ रही है भाई, ल्यूको ऑन हंगामा आई थिंक 25 मई से आने वाली है। ल्यूको या लीको है क्या पता नाम उसका, पोकेमॉन होराइजन आई एम नॉट एक्साइटेड, बट मैं एक या दो एपिसोड ट्राई करूँगा, इफ़ अच्छा लगा तो ठीक है। तो हाइड्रो पम्प मैं देता हूँ वाटर प्लेज की जगह, आई थिंक इनफ होगा, मेरे पास हाइड्रो कैनन भी पड़ा है, पर कोई बात नहीं छोड़ो। तो मैं तो एक्साइटेड नहीं हूँ इतना, बिकॉज ऐश नहीं है, पिकाचू नहीं है, बट कभी ना कभी तो वो जर्नी एंड होने वाली थी, और पोकेमॉन ने भी वो एक अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि फ्रेंचाइजी को एक नया क्या कहते हैं एक प्रोटैगनिस्ट मिला है, सो मज़ा आएगा, क्योंकि इस बार एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट होगी हमारे पोकेमॉन में। एंड ल्यूको भी बहुत बढ़िया दिखती है वैसे, कोई बात नहीं गाइस, हम लोग हमारे वीडियो के टॉपिक से नहीं घूमेंगे। और इसके पास सिंड्रेस है, वाओ, और भाई इसने पता नहीं कौन सा अटैक यूज़ किया, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई इसके, इस पोकेमॉन को क्या हुआ है भैया, इससे तो नहीं दिखता ना, इससे तो अच्छा ही दिखता है, क्यूट लगता है भाई, इसको क्या हो गया, कमेंट्स में बताओ गाइस इसको क्या हो गया बेचारे को। RK9 क्या हुआ तेरे को, वन हिट गया भाई, काय का जिम लीडर यार, बाकी जिम लीडर मेरे को पहले जिम से मैं तीन चार चार बार हारने के बाद जीतता हूँ, मेरे को तो लग रहा है इसको वन हिट में लेके जाऊंगा भाई, इसको पहली बार में हरा दिया मैंने, काय का जिम लीडर यार, इससे अच्छा मेरे को जिम लीडर बनाओ, समझ रहे हो क्या, कोई बात नहीं चलो गाइस ये हार गया। ओके अरे अरे बेचारा अभी सदमे में होगा गाइस, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, इतना मार्बल बैच मिला है, वाओ फायर जिम में मार्बल मिल रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। और मेरे को मिला है एक फायर EMZ, और मैं ये दूंगा अपने ब्लेजिकन को, क्योंकि ब्लेजिकन के पास फायर टाइप अटैक्स बहुत है। कोई नहीं चलो देखते हैं, यू विल इवन फाइंड द मैडमैन ऑफ लिविंगटन, ओके ठीक है, ही इज़ प्रिटी स्ट्रांग। अरे मेरे सामने कोई नहीं टिकता भाई, प्रिटी स्ट्रांग वगैरह कुछ नहीं, ऐश वगैरह हमारे सामने नल्ले बेरोजगार है। ओके यहाँ पे कुछ तो है, क्योंकि गेम थोड़ा स्लो कर देता हूँ, यहाँ पे एक सिटी है और यहाँ पे एक सिटी है, और मेरे आई थिंक दो ही सिटी बाकी है, और दोनों सिटीज़ में एक एक जिम होगा, और जो अपना ये है ना क्या बोलते हैं यार उसको, वो जो कोने में एक था वहाँ पे शायद से लीग होगा पोकेमॉन का। तो हमारे पास आ चुके हैं गाइस 6 बैचेस, अब हम लोग के पास सिर्फ 2 बैचेस है, एंड आई डोंट नो कितने वीडियोज़ में हम लोग ये 2 बैचेस मिलेंगे। एक चीज़ है कि मैं आपको, ओके गाइस तो मैं अभी तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, पर मैं ऐसे ही जब घूमता हूँ ना ये करता, तो यहाँ पे आप जो है ना पोकेमॉन्स के फॉसिल को जो है ना पोकेमॉन बनवा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 2 फॉसिल्स थे, इफ़ यू रिमेंबर मेरे पास एक जॉब फॉसिल था और एक कोई तो फॉसिल था, आई डोंट रिमेंबर। तो मेरे साथ देखो क्या सीन हुआ यहाँ पे, आप लोगों को इसलिए मैं कहता हूँ कि कई पोके ये जब गेम खेलते हो ना ऐसे,
आप हमारे गेम को हमेशा सेव किया करो, आप आपके गेम को सेव किया करो, वरना जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ। देखो मैंने नॉर्मल यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक किया एंड ये देखो मेरा गेम पूरी तरीके से अटक गया। अब वो तो भला है कि मैंने पोकेमॉन का गेम सेव किया था, वरना मेरे को जिम बैटल वापस करनी पड़ती, वो सब मेरे को वापस करना पड़ता। ठीक है, तो भाई ध्यान रखा करो जब भी आप ऐसे गेम्स खेलते हो हैक वर्जन, क्योंकि ये गेम्स को डेवलप ऐसे किया जाता है हमारे लिए ये हैक वर्जन से, यानी कि ये मेन गेम नहीं है, जिसमें बहुत सारे बग्स वगैरह हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के जो प्रोग्रेस है वो ना हो, इसलिए मैं ये सब दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस, कुछ वक्त बाद मैं वो ये बंदा मिला जो 10K में आपके पोकेमॉन्स के लेवल अप कराता है, और मैंने सोचा ट्राई करते क्या है, क्योंकि देखो जितना कम पैसा हमारे पास रहेगा उतना अच्छा होता है। इसका रीज़न बताता हूँ कि जब आप बैटल हारते हो आपका पैसा फोकट में जाता है, उससे अच्छा तो है कि ऐसे इन्वेस्ट कर दो। इसके पास क्या है, अब यार फाइट करना पड़ेगा यार मेरे को पता नहीं था। आइस पंच मारता उसको, भाई 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 आधा ही HP गया, मैं ये मारेगी ये भाई। कौन सा अटैक है भाई? ओके अटैक हार्शली फेल। ये मर कैसे गई भाई? कुछ डीजी बॉन्ड जैसा है क्या? डेस्टिनी बॉन्ड, डीजी बॉन्ड नहीं डेस्टिनी बॉन्ड होता शायद से, क्या मालूम भाई। पर लेवल अब तो भाई अच्छा खासा हो रहा है, देखते हैं गाइस क्या 10K वसूल होता है या नहीं। और अगर 10K वसूल हो रहा है तो मैं अपने बैग के सारी चीज़ें बेचने वाला हूँ एंड वापस एक बैटल करके और थोड़े लेवल अप करूँगा। शायद से नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल बैरियर होता है अगले वाले जिम तक कि उसके आगे नहीं जा सकते, तो पैसा वेस्ट होगा। कोई नहीं, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। अरे यार जल्दी बोलता हूँ, एक एक डेढ़ डेढ़ हफ्ते में वीडियो डाल रहा हूँ। ऑब्वियसली वॉइस के साथ चाहिए तो इतना तो सहना पड़ेगा गाइस, वॉइस के साथ थोड़ा बिजी था इसलिए, वरना रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आते, आपको भी पता है, आपको भी पता है मेरा रेगुलर बेसिस क्या होता है, हर 2-3 साल में एक बार, तो समझ लेना। वैसे तो लेवल अप अच्छा खासा हो रहा है, और भाई मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है भाई, थोड़ा सा दो मिनट का वीडियो बाकी, उसके ऊपर वॉइस ओवर करने दो यार, उसके बाद तुम लोग तुम्हारा काम करो ना। उफ यार करो ना। तो मेरे को यहाँ पे कोई तो अटैक आया, हेज, आई थिंक हेज अटैक का डैमेज नहीं होता, तो जिसका डैमेज नहीं उसका मेरे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, सीधी बात भाई, जिसका मेरे पास काम नहीं है। ब्लेजियन 6-6 हो गया, 5-9 हो गया। ठीक है, और हाँ गाइस ये 5-9 वगैरह बोल रहा हूँ ना, इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करना, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो वो दोनों 5-9 ऐड हो जाएगा, तो वो 14 नहीं होगा, वो 59 ही होता है, तो ऐसे ही करना। ठीक है भाई, लास्ट देखते भाई, अच्छा खासा लेवल अप तो किया है इसने, और ये मेरे काम भी आएगा क्योंकि इसने मेरे बहुत सारा समय बचाया। ओके कोई नहीं। ओहो चलो गाइस, एक और लास्ट एंड दैट्स इट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ गाइस, हमारे पूरी सीरीज के प्लेलिस्ट में आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन के बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आपके कोई भी सजेशन्स है तो मेरे को कमेंट्स में बता दिया करो, क्योंकि मैं कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, और हाँ बाकी प्लेलिस्ट में आपको कमेंट्स में पिन कर दूंगा। बाय बाय।